तो देखिए ये है यूफोर्बिया का मेरा प्लांट, तो कितने अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज इसी के बारे में मैं बताऊंगी कि आप इसकी कटिंग कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप एक पौधे से न जाने कितने ही पौधे इस यूफोर्बिया के बना सकते हैं। वेरी इजी टू ग्रो है और बिना किसी केयर के ही ये आसानी से सर्वाइव हो जाता है। और मैं इसलिए इस प्लांट की जानकारी मैं दूंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और प्लीज अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं हम इसकी कटिंग के बारे में। तो देखिए इसकी कटिंग लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इजीली ये ग्रो भी हो जाते हैं। और पूरे साल आपके टेरेस गार्डन में बना रहेगा और ये पूरे साल ही लगभग ये फ्लावरिंग करता है, और समय विंटर में भी और समर में भी। आप देखिए इसकी कटिंग करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए पास से मेरी, अब ये एक ही इसकी जो है मेन एक ही डंडी है साथ में, ये देखिए छोटी सी ये इसके बराबर में ये ब्रांच निकली है। तो और इसके हम इसे ऐसे ऊपर से ऐसे जाए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ऊपर से भी आप 2-3 इंच कट करके तो ऐसे भी इसको डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी आपकी कैसी भी हो, इसकी कोई खास केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई खाद भी देने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, और पानी भी आप इसमें कम से कम ही दें, बहुत कम पानी दें। और पानी का तो विशेष ध्यान ही रखना चाहिए, अगर ज्यादा इसमें पानी हो जाता है तो क्या होता है, इसकी डंडी गलने लगती है और ये पौधा मर जाता है। तो बरसात में विशेषकर इस पौधे का ख्याल रखें। और तो देखिए नीचे से मैं आपको दिखाऊं, इसके बराबर में से शायद ये दिख रहा होगा नहीं, ये देखिए दिखाने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ पूरी, ये इसके बराबर में इसने नीचे से ही छोटी सी, ये मैं उखाड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए ये छोटी सी डंडी और इसके बराबर में शूट्स निकल रहा था। आप इसको भी दूसरी कटिंग की तरह लगा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ही ग्रो कर दें तो ये नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो कटिंग के द्वारा लगाना चाहे तो कटिंग के द्वारा भी आप इजिली यहाँ से कट करके, मतलब कि तीन चार इंच की भी कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत ही इजी से इजीली ग्रो हो जाएगी, सर्वाइव भी हो जाएगी। बस आप इसमें पानी का ही ध्यान रखें, खाद कोई देने की जरूरत नहीं इसमें पड़ती है और समय समय पर फ्लावरिंग करता रहता है। और इसके देखिए फूलों की जो ये शेड है ये बदलती रहती है, कभी लाइट पिंक मौसम के हिसाब से तो कभी बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है। इसको आपको फुल सनलाइट में रखना चाहिए और किसी भी सीजन में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सीजन में। और साथ ही इसमें देखिए बारीक बारीक कांटे होते हैं, अगर आप इसकी कटिंग करें तो ध्यान रखें कांटों का, ग्लव्स पहन कर ही करें तो, क्योंकि बहुत बारीक कांटे हैं, उंगलियों में इसका लगने का डर रहता है। और लो मेंटेनेंस का ये प्लांट है, तपती दोपहरी में भी आप इसे रख देंगे और पानी भी नहीं देंगे कई दिन तो भी चलता है, आसानी से चलता है, हाँ ज़्यादा पानी देने से मरता है। तो इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो कि ज़्यादा तो इसकी कुछ देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी तरह से आप आसानी से एक प्लांट से अनेक प्लांट सर्वाइव ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में इनको जगह दे सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी और बड़े से बड़े पॉट में भी आसानी से हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर से यहाँ से मतलब मेन जो ये डंडी है इसके ऊपर से कट करते रहेंगे तो क्या होगा, ये नीचे नीचे फैलेगा, चारों तरफ पौधे की तरह फैल जाएगा। अगर आप इसको बढ़ने देंगे तो काफी ये लंबा भी हो जाता है, 4-5 फुट तक तो आसानी से हो ही जाता है गमलों में भी। तो देखिए मेरा भी काफी लंबा हो गया था, इसकी कटिंग मैंने 2-3 महीने लगा दी है तो इसलिए थोड़ा अब एक डेढ़ फुट का ही रह गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने टेरेस गार्डन में इसे जरूर ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।